फ्रेंड राधे कृष्णा, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ब्यूटी हैक्स भी शेयर करना चाहती हूँ। तो जिसके लिए करना क्या है, हमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं जो कि हमारे घर में तो रहते ही हैं, और साथ में आप एक ऐसे टूल का मैं यूज़ बताऊंगी जिससे आपके सारे रिंकल्स और जो ये हमारे आंखों के पास जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो इन इन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इस टूल को भी यूज़ करेंगे तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों को से पहले आप क्या करेंगे, अपने फेस को या तो सोप से वॉश करेंगे। मैं यहाँ पे रोज वाटर का यूज कर रही हूँ। मेरे फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो आप देखेंगे मैं इसको पूरा कॉटन से, मैंने कोई मेकअप नहीं लगा बोल लेनी है। और इसमें हमें इसे आप थोड़ा ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, मैं अभी सिर्फ अभी इस टाइम के लिए यूज़ कर रही हूँ। साथ के साथ मैं इसमें याद यूज़ करना है आलमंड ऑयल है, जिसके 3-4 ड्रॉप्स लेने हैं। साथ में कोकोनट ऑयल भी लेना है। और इसके साथ ही मुझे ग्लिसरीन के कुछ, अगर आप इसमें भी कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं सूट करते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और आपके पास घर में नहीं है तो आप इन सभी को मिक्स कर देंगे। और मैंने इसमें विटामिन ई की कैप्सूल को ऐड किया है, इसमें मैंने अगर आपके पास ऐसे कोई भी ऐसा सामान नहीं है या लगेगा कि ये हमारे पास नहीं तो हम कैसे करें, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपके पास है इंग्रेडिएंट्स, कोई ऑयल नहीं है कि हमारे पास कोकोनट ऑयल नहीं है या आलमंड ऑयल नहीं है, आपके पास ऑलिव ऑयल है, आपके पास कोई ऑयल तो मतलब घर में हमारे पास मैक्सिमम रहते ही हैं, तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और मैं अभी तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए थोड़े ही बना रही हूँ, वरना मैं इसको अपने घर में बना के इसको फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ और आपको रूम टेम्परेचर पर निकाल करके इसको रख देना है। तो अब इसके स्टेप्स को आप देखिएगा। सबसे पहले मैं अपने फिंगर पर सभी जगह अच्छे से फैला लेना है, और अपने नेक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नेक पर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। अब साथ में अपने स्टेप्स का ध्यान दीजिए, सर्कुलर मोशन में हेड पर। आप बिलीव नहीं करेंगे, 40+ के बाद हमारी 40 के आजकल के जो लाइफस्टाइल लोगों का चल रहा है, 30 के बाद ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जा रही हैं। तो आप इसके स्टेप्स को देखिए, आंखों के पास बहुत ही आंखों पर ध्यान दीजिएगा। आप कोशिश करेंगे कि अपने पलकों को बंद कर लेंगे और अपने पलकों पे भी थोड़ा सा रोटेट करना है फिंगर्स को। हमें अपवर्ड्स रोटेट में जाना है। मैंने सारी जगह अपने ऑयल को फैला लिया है। अब जो मैं टूल्स के बारे में बात कर रही हूँ, ये मार्केट में इस टाइम गुआशा का आपने सुना ही होगा इसके बारे में। इस समय जब मैंने मंगाया था तो ये इसकी प्राइस थी कुछ 400, बट इस टाइम ये आप मीशो पर जाके देखेंगे इसका प्राइस बहुत कम है, 100 समथिंग कुछ ऐसे ही है। तो इसको मैंने यूज़ किया है, बिलीव करिए ये मेरा यूज़ किया हुआ टूल्स है। आप इसको मतलब यूज करेंगे तो बहुत ही फायदा होगा, बस आपके इसके इसको प्रेस करके
अब इसी तरह दूसरे साइड भी। अब इसकी जो छोटा वाला है ये हमारे आंखों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे आंखों के पास आती है, हमारे आंखों के पास रिंकल्स आते हैं, तो आप इसको आपको करते ही करते बहुत रिलैक्स फील होगा। जरूरी नहीं कि हम हमेशा ब्यूटी पार्लर जाए, हम घर में खुद से भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा पार्ट है ये स्टोन जो हमारे इसी के साथ ही मिला था, तो इसका इसके रोटेशन आप देख लीजिए। अपने फोरहेड पर आप इसमें कम से कम 10 मिनट का टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार किया या दो बार किया तो आपको इसके फायदे तुरंत नजर आएंगे। हाँ, थोड़ा सा आप इसमें हफ्ते में 1 से 2 बार इसको जरूर यूज करेंगे। और मैं बोलूंगी तो आपको ये जो मैंने क्रीम आपको बताई है इसे आप रात में ही यूज करेंगे तो ये सच में मतलब मिरेकल है। आप सच में आप इसको यूज करिए, मैं इसे बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे पास ये ऑयल नहीं है तो मैं नहीं कर, कोई बात नहीं, आपके पास जो हो आप उसे बनाइए। आपके पास कभी विटामिन ई कैप्सूल नहीं है, कोशिश करिए कि थोड़ा सामान आप अरेंज कर लीजिए। इसका जो ये पोर्शन है कर्व्स है यहाँ पर, उनको ये यहाँ से हम अपने नेक को तो बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आप इसको 10 to 15 times खुद से करिए या किसी से करवाइए, आपके पास टाइम हो तो आप रात में जरूर इसको करके सोइए। ये एक तरह से हमारा नाइट रूटीन केयर है, तो आप इसे करिए। और कुछ प्लीज़ मुझे मैसेज पे बताइए कि ये कैसा लगा आपको। ये मेरा खुद का यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है, मैं इसको लगा करके जब इसको आप रात में लगा के सोएंगे और आप सुबह खुद फील करेंगे कि हमारी स्किन कितनी स्मूथ है और कि बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं फील होगी आपको। और आप चाहिए तो इसको हमारे फेस का बहुत ही बढ़िया थेरेपी है टैपिंग। तो मार्केट में बहुत ही फैंसी फैंसी आ गए हैं गुआशा, तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसा लगा। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। राधे कृष्णा।